डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एज ऑफ ऑकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इसमें हमने दो अस्पेक्ट डिस्कस करने हैं कुछ एज जनरल हैं कुछ स्पेसिफिक हैं उन दोनों को हम अभी आपसे शेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वालंट्री इकोनॉमिक गाइडलाइंस वो क्या कहती हैं ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पब्लिश गाइडलाइंस फॉर जनरल सेफ्टी and Health Program Management in 1989. Occupational Safety Health Ergonomic Guidelines are voluntarily and designed to provide employees with the information and guidance needed to meet their obligation under the Occupational Safety Health Act regarding ergonomics. Now, information students, ye kya hai? Ye basically Occupational Safety and Health Administration ek organization hai, जो कि आप लोगों को ये गाइड कर रही है कि जितने भी हैजर्ड्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है चाहे वो जनरल हों या स्पेसिफिक हों वर्कसाइट एनालिसिस प्रोग्राम फॉर आल दो कम्पलेक्स एनालिसिस आर बेस्ट परफॉर्म बाई प्रोफेशनल एर्गोनॉमिस्ट द एर्गोनॉमिक टीम आर एनी क्वालिफाइड पर्सन कैन यूज दिस प्रोग्राम टू कंडक्ट आ साइट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेस इन दर्क प्लेस कौन से वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस देने वाली चीजें शामिल हैं का बाश बन सकती हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस का इन चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें वर्क प्लेस स्ट्रेस का बायस बन रही हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टू गिव आ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फाइंडिंग एंड एलिनेटिंग दो बुक्स दोज टूल्स टेक्निक एंड कंडीशन दैट मे बी दोर्स ऑफ एल्गोनॉमिक प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स इसमें तीन चीज़ें हैं पहली चीज़ ये है कि टूल्स दूसरी है टेक्निक और तीसरी है कंडीशनस दैट मे बी दोर्स ऑफ एल्गोनॉमिक प्रॉब्लम जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस का बायस बन सकती हैं उनको देखना है आइडेंटिफाई करना है अवेल्यूट करना है मोनीटर करना है कंट्रोल करना है और उनको मैनेज करना है किसकी मदद से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स की मदद से हैजर्ड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है हमारे इस टॉपिक का एंजीनियर सोलूशन वेयर फिजिबल द प्रेफर्ड दैथड फॉर हैजर्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अब ये जो दो लाइनें डी स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बोली हैं इनका एक मकसद है ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई ना किया जाए प्रिवेंट ना किया जाए कंट्रोल ना किया जाए मोनिटर ना किया जाए एवेल्यूएट ना किया जाए आप उनके डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते द फोकस ऑफ एन एर्गोनॉमिक प्रोग्राम इज टू मेक द जॉब फिट द पर्सन नॉट टू मेक द पर्सन फिट द जॉब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिरी हिस्सा मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ नॉट टू मेक द पर्सन फिट द जॉब नॉट टू मेक द पर्सन फिट द जॉब क्वेश्चन क्या है एक्गनॉमिक प्रॉब्लम इज़ टू मेक द जॉब फिट द पर्सन मेक द जॉब फिट द पर्सन कि इंसान के बिहेवियर एटीट्यूड वे एक्सपोजर एक्सपीरियंस नॉलेज कॉम्पिटेंसी के मुताबिक चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ ताकि वो शख्स वहाँ फ़िट हो सके ऐसा ना हो कि पैरामीटर स्ट्रिक डिफ़ाइन कर दें तो उसके मुताबक कहा जाए या बिहेवियर चेंज करो इट इज़ कम्पेरिटिवली डिफरेंट टास्क एज कम्पेयर टू द प्रिवियस वन सो हम लोगों ने यह देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैज़र्ड्स हैं चाहे वो मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं, केमिकल हैजर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं जो भी हैजर्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनको देखना है आइडेंटिफाई करना है मॉनिटर करना है अवेल्यूट करना है कंपेयर करना है कंट्रोल करना है और इस किस्म के स्टेप्स लेने हैं कि वो जो हैजर्ड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करें ना कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान देने के लिए काम करें